Hello everyone, I am Sanjay Rathore and in this video we will cover the unit 2 of Nemraj Sunda book. तो जो नेमराज सुंडा book जो है इसमें unit 2 में जो है agriculture से related चीज़ें दी हुई हैं, तो इसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे. And सबसे पहले इसमें दिया है एग्रीकल्चर, है ना. सो द टर्म एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. हमें सबको पता है कि जितने भी कल्चर वाले टर्म हैं, है ना, कल्चर जिसमें सफिक्स होता है, तो कल्चर इट्सेल्फ जो है लैटिन वर्ड से आया है. तो कल्चर वाले जितने भी टर्म हैं सारे किससे आएंगे, लैटिन वर्ड से. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो हॉर्टिकल्चर का, देन ऑलेरिकल्चर है ना. तो जितने भी कल्चर वाले टर्म हैं सारे क्या हैं, लैटिन वर्ड. और जितने भी नॉमी जैसे कि एग्रोनॉमी है ना, एंड लॉजी, ठीक है, जैसे कि पैथोलॉजी है ना, पोमोलॉजी, तो इसमें पोमोलॉजी जो है एक्सेप्शन है. तो जितने भी नॉमी है जैसे कि एग्रोनॉमी है एंड लॉजी, पैथोलॉजी है, हो गया एंटमोलॉजी है, ठीक है, तो सारे ग्रीक वर्ड होंगे, ठीक है, ग्रीक वर्ड. बट इसमें एक एक्सेप्शन है, पोमोलॉजी, ठीक है. पोमोलॉजी तो हमें पता है, पोमोलॉजी तो अपना ग्रीक वर्ड है ही, है ना. बट जो पोमो है इसमें ये है लैटिन वर्ड, ठीक है. तो याद रखना है हमें इसमें कि जो पोमोलॉजी है वो दोनों लैंग्वेज से मिलकर बना है, लैटिन एंड ग्रीक, जिसमें से लॉजी तो ग्रीक अपना ग्रीक है ही, एंड पोमो मीन्स लैटिन लैंग्वेज का टर्म है, ठीक है. तो पोमो मीन्स होता है अपना फ्रूट, एंड वी ऑल नो कि पोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट. ओके, इसमें फिर नेक्स्ट चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर है ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, अगर प्लस कल्चरा, जिसमें अगर मींस होता है सॉइल एंड कल्चरा मींस कल्टीवेशन. एंड अगर डेफिनेशन देखें हम एग्रीकल्चर का, तो ना से केवल जो है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स एंड अदर एक्टिविटीज़ related to the production of food, fiber and other goods. तो simple means कि ऐसी activities जिनसे food, fiber and other जो goods हैं, है ना, इनका production हो सके. तो इनसे related जो, इनके production से related जो practices की जाती हैं वो सारी agriculture के under में आएंगी, है ना. तो जैसे कि एग्रीकल्चर का ब्रांच हो गया एग्रोनॉमी, है ना, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगी, एग्रीकल्चर के अंडर में. देन नेक्स्ट आता है इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग, है ना. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है 1970s में किसने दिया था, एवा बेल्फर या लीज जैक्सन ने. तो क्या है कि कई सारी बुक्स में जो है एवा बेल्फर लिखा हुआ है, कई सारी बुक्स में लीज जैक्सन लिखा हुआ है. तो अकॉर्डिंगली आपको जो है दोनों ऑप्शन याद रखने हैं. क्या होता है कई बारी कि एग्जामिनर जो है, सपोज उसने किसी बुक से क्वेश्चन बनाया जिसमें लिखा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है एवा बेल्फर ने दिया था टर्म, और किसी बुक में लिखा है कि लीज जैक्सन ने दिया है. तो अकॉर्डिंगली जो है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाएगा एंड उसका आंसर भी रखेगा. तो आपको दोनों ऑप्शन, दोनों आंसर याद रखने हैं. एंड व्हाट डज इट मीन दिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इट सिंपली मींस कि जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, है ना, या फिर जो फूड प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम इस तरह तरीके से फॉलो करें या मैनेज करें ताकि जो है फूड का सप्लाई करेंट जनरेशन के लिए हो पाए. एंड जो रिसोर्सेस हैं हमारे, जो कि मेनली लैंड है ना, एनवायरनमेंट है, देन अपना वाटर, है ना, एट्सेट्रा, तो इनका जो है डिग्रेडेशन ना हो, या ये जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें, है ना, ताकि जो है जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेस का यूज़ करके जो है फूड ग्रो कर सके, फूड का प्रोडक्शन कर सके. दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है एक ब्रॉड टर्म हो जाता है, जिसे हम इको फार्मिंग भी बोलते हैं. एंड इसी के अंदर में जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग,
है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, परमा कल्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनका अलग अलग टर्म है, अलग अलग मीनिंग है, है ना। देन नेक्स्ट आता है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और लैंड रोटेशन, झूम कल्टीवेशन या स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर, है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो सारी नाम जो नेम्स हैं ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ही हैं, तो सारे याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, है ना। तो झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो ट्राइब पीपल होते हैं, है ना, वो फॉरेस्ट लैंड को कट करते हैं, है ना, फॉरेस्ट को कट करते हैं एंड उस लैंड को जो है आग लगा के, फिर फायर लगा के जो है क्लीन करते हैं एंड देन वहाँ पर क्रॉप ग्रो करते हैं। वहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई नहीं किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि ईयर आफ्टर ईयर जो है क्रॉप लेने से, सेम क्रॉप लेने से जो न्यूट्रेंट है वो तो डिप्लीट होंगे, है ना, क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रेंट है वो ऐड नहीं हो रहा है वहाँ पर, है ना। सॉइल से न्यूट्रेंट जो है क्रॉप ले रही है बट ऐड नहीं हो रहा है वहाँ पर न्यूट्रेंट, ठीक है। तो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होने लगती है वहाँ पे एंड सॉइल फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ होने लगती है। तो ऐसे में फिर जो फार्मर्स हैं, ट्राइब फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं कि देन अगेन जो है वो किसी दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ फिर फॉरेस्ट को कट करेंगे, बर्न करेंगे, देन क्लीन करेंगे एंड फिर से जो है क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है एंड दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज़ नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड क्या होता है कि इसमें एक चीज़ और है कि कुछ सालों बाद, है ना, जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया था, ठीक है, तो वहाँ पर फर्टिलिटी कुछ सालों बाद जो है फिर से रिस्टोर हो जाती है, तो अगेन जो है वो उस प्लेस पे जो है मूव कर जाते हैं, देन वो वहाँ पर अगेन कल्टीवेशन करते हैं। तो ये साइकिल उनका चलता रहता है। एंड इसमें मेन लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे किस पार्ट में किया जाता है इंडिया में, तो जो झारखंड का जो रीज़न है, MP के कुछ पार्ट्स हैं, देन हिली रीजन्स हैं मोस्टली, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हिली रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। ऑल्दो जो है आजकल आज के टाइम पे काफ़ी इसका एरिया कम हो चुका है। एंड देन अगर जोन पूछता है कि किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, तो दैट इज़ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, है ना, तो ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद रिस्पॉन्स फार्मिंग, ठीक है, तो रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्स फार्मिंग किसने दिया था, तो स्टुअर्ट ने दिया था 1988 में एंड इट सिंपली मीन्स कि रेनफॉल का जो है प्रायर जो है हमें नॉलेज लेना होता है इसमें, है ना, जो मॉनसून है या फिर वेदर है इसका जो है एनालिसिस करके पहले से पता किया जाता है कि रेनफॉल अच्छा होगा या नहीं सपोज़, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम क्रॉप लेंगे। सपोज़ रेनफॉल अच्छा होगा इस साल, है ना, तो हम राइस क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो सोरघम ले सकते हैं, मेज़ ले सकते हैं, है ना, देन अपने बार्ले या मिलेट्स ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी दिस रिस्पॉन्स फार्मिंग हम वेदर को पहले से प्रिडिक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो है क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। इवन जो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं इनको भी जो है अकॉर्डिंगली शेड्यूल किया जाता है। देन प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, है ना, तो प्रिसीजन फार्मिंग सिंपली मीन्स द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, एटसेट्रा फॉर क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस। तो प्रिसीजन फार्मिंग सिंपली मीन्स होता है कि जितना रिक्वायरमेंट है लाइक फर्टिलाइज़र हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस प्लेस में जितना रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र का हम उतना ही अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। यूजुअली फार्मर्स क्या करते हैं कि सपोज़ उनको ये वीट का फील्ड है, है ना, एंड वीट जो है इस प्लेस में है एंड इस प्लेस में, ठीक है, तो फार्मर क्या करता है, ब्लैंकेट एप्लीकेशन करता है। ब्लैंकेट मीन्स कि पूरे फील्ड में जो है वो हर्बिसाइड अप्लाई करेगा, है ना, अगर वीड उनको दिखा तो वो पूरे जो है फील्ड में अप्लाई करेंगे। बट प्रिसीजन फार्मिंग में ऐसा नहीं होता, हम पहले से असेस करेंगे कि वीड्स जो है किस किस पोर्शन में है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो सपोज़ यहाँ पर ज़्यादा था तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना, इस पोर्शन में जो है वीड नहीं है तो हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो दैट इज़ सिंपली मीन्स सिंपल मीनिंग ऑफ दिस प्रिसीजन फार्मिंग। इसके बाद जो है एडवांटेजेस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एक सेपरेट टॉपिक है जो लाइक सेपरेट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ना।
देन नेक्स्ट इसमें है एडवांटेजेस ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग लाइक मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। लाइक यहाँ पर हम पूरे फील्ड में अगर हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं एंड लोकलाइज्ड बेसिस पे अगर अप्लाई करेंगे तो सीधी बात है हर्बिसाइड की क्वांटिटी कम लगेगी, है ना, कंपेयर टू पूरे फील्ड में अप्लाई करने से। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, देन मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है ना, रिसोर्सेज को भी कंजर्व करता है। देन नेक्स्ट है इसमें आइडियो टाइप। तो इसमें ये याद रखना है हमें कि आइडियो टाइप जो है किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। किस क्रॉप में दिया था, 1968 में व्हीट में दिया था ना, व्हीट के लिए। एंड आइडियो टाइप जो है राइस में किसने दिया था, यासीदा ने। आइडियो टाइप सिंपली मीन्स कि जो एक गिवन रीजन है ना, सपोज राइस का लो लैंड एरिया है ना, लो लैंड राइस एरिया है, तो लो लैंड राइस लो लैंड कंडीशन में जो है राइस का कल्टीवार कैसा होना चाहिए, लाइक उसका प्लांट हाइट कैसा होना चाहिए, टिलिंग कैसी होनी चाहिए उसमें, है ना, कैसी वैरायटी होनी चाहिए, उस वैरायटी की मतलब जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए लो लैंड कंडीशन में राइस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो है आइडियो टाइप या फिर मॉडल किसने दिया था, डोनाल्ड, है ना। एंड डोनाल्ड ने व्हीट में दिया था, राइस में यासीदा ने दिया था। ऐसे सेवरल क्रॉप्स में जो है सेवरल साइंटिस्ट ने जो है आइडियो टाइप दिए हैं। इसके बाद जो है टेरा फार्मिंग। तो टेरा फार्मिंग में एक चीज़ हमें याद रखना है कि टेरा फार्मिंग जो है टर्म, है ना, ये किसने दिया था, जैक विलियमसन ने, जैक विलियमसन 1942 समथिंग में। देन टेरा फार्मिंग सिंपली मींस कि जो मार्स का एनवायरनमेंट है, है ना, मार्स प्लेनेट है एक, तो मार्स प्लेनेट का जो एनवायरनमेंट है वैसा ही एनवायरनमेंट जो है अर्थ में क्रिएट करके, है ना, अर्थ में क्रिएट करके क्रॉप को कल्टीवेट करना, है ना, बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के, देन डिफरेंट टाइप के प्लांट जो है कल्टीवेट करना, ताकि इन फ्यूचर अगर जो ह्यूमन रेस है, है ना, अगर मार्स में जाती है, ठीक है, तो उनको जो है एनवायरनमेंट जो है नोन रहे, एंड उस एनवायरनमेंट में कैसे कौन सी क्रॉप हमें ग्रो करनी है वो चीज़ें नोन रहे, है ना। तो इसलिए जो है इस टाइप की फार्मिंग अर्थ में ही डेवलप करके प्रैक्टिस की जाती है। देन नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है किसने दिया था कॉन्सेप्ट, जेवी सैक्स ने दिया था। एंड हाइड्रोपोनिक्स सिंपली मींस कि यहाँ पर सॉइल जो है नहीं रहेगा, सॉइल लेस कंडीशन रहेगी, तो प्लांट हम किस में ग्रो करेंगे, जो सॉइल सॉल्यूशन है, सॉरी, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, है ना, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमें पता है कि 17 टाइप के जो है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, होते हैं प्लांट के लिए जो आवश्यक होते हैं, तो ये 17 टाइप के जो है न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन जो है पानी में बना के एंड देन जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो किया जाता है। तो इसमें मोस्टली जो है लीफी वेजिटेबल्स हो गई, है ना, देन अपना स्ट्रॉबेरी है, तो ऐसे क्रॉप्स को मेनली ग्रो किया जाता है। देन एक टर्म आता है एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स में क्या होता है, एरोपोनिक्स में भी सॉइल लेस कंडीशन होती है, बट जो प्लांट होता है ना, तो इसके रूट में जो है स्प्रिंकल किया जाता है कंटिन्यूसली, जो न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन उसको जो है स्प्रिंकल किया जाता है ताकि प्लांट जो है ग्रो हो सके। देन नेक्स्ट है इसमें रिस्पॉन्स कर्व। तो रिस्पॉन्स कर्व किसने दिया था, हॉलीडे ने 1960 में दिया था। एंड इट सिंपली मींस इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड ईल्ड। तो जैसे जैसे प्लांट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ईल्ड में क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, ये किसने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, हॉलीडे ने, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है दो टाइप के कर्व बनते हैं, एक होता है एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स और एसिम्प्टोटिक कर्व, एंड दूसरा जो है पैराबोलिक कर्व। तो एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें प्लांट पॉपुलेशन, है ना, प्लांट पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करने से, ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करने से जो ईल्ड है, है ना, ये भी फर्दर जो है इंक्रीज होते रहती है, है ना। तो ये कंडीशन जो है किस में देखा जाता है, जैसे फॉडर क्रॉप्स हैं, है ना, एंड देन ऐसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो ऐसे लाइक ऐसे प्लांट्स, है ना,
जिनका एंटायर जो है पार्ट, ठीक है, या एंटायर ट्राइमेटर इकोनॉमिक होता है, ठीक है, जैसे ये अपना कोरिएंडर हो गया, है ना, स्पिनाच हो गया, एंड देन फॉडर क्रॉप्स हो गई, तो ऐसे क्रॉप्स जिनका जो है एंटायर ट्राइमेटर जो है इकोनॉमिक होता है वो एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स जो है शो करती हैं। देन नेक्स्ट है इसमें पैराबॉलिक। तो पैराबॉलिक में क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स या क्रॉप्स जिनमें प्लांट पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ करने से ईल्ड जो है एक लेवल तक इंक्रीज़ होगा, एंड देन फर्दर डिक्रीज, फर्दर जो है प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करने पे प्लांट पॉपुलेशन जो है डिक्रीज़ होने लगेगा, एंड देन और ज़्यादा जब हम इसको इंक्रीज़ करेंगे प्लांट पॉपुलेशन को तो ईल्ड जो है फिर और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, है ना। तो जैसे कि ग्रेन पर्पज़ के लिए हम पल्स क्रॉप लेते हैं या फिर सीरियल क्रॉप लेते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पैराबॉलिक कर्व। इसमें पैराबॉलिक फंक्शन जो है सेवरल फार्मूले से जो है डिनोट किया जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स हो गया, है ना, तो इसमें जो है इसके फार्मूलेज जो है आप, या फिर सॉरी इक्वेशन जो है आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन वगैरह में, है ना। तो याद रखना कि जो राइस है वो क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स शो करता है ना, पल्सेस मेनली लीनियर रिस्पॉन्स शो करती हैं, ठीक है। देन मिसरलिच का जो है इक्वेशन, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस वाई, तो ए जो यहाँ पर होता है दैट इज़ मैक्सिमम अचीवल ईल्ड, एंड जो वाई होता है ये एक्चुअल ईल्ड होता है ना। तो दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक लेक्चर इसमें भी सेपरेट बन सकता है। देन जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसमें बताना चाहूँगा कि लाइक फादर ऑफ टिलेज, है ना, वी ऑल नो जेथ्रो टूल, जेथ्रो टूल को जो है फादर ऑफ टिलेज बोला जाता है, इनको फादर ऑफ वीड साइंस भी बोला जाता है ना। एंड देन फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, ठीक है, अगर फादर ऑफ मिनिमम टिलेज बोलता है तो ई एच फॉकनर, है ना। देन अगर फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, या फिर मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो अल्बर्ट हॉवर्ड। देन फादर ऑफ अगर ये पूछता है अपना मिक्स्ड फार्मिंग पूछता है तो लाफलिज। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग पूछता है अगर तो मोसा नोबू फुकुओका, ठीक है, मोसा नोबू फुकुओका, जिसको फुकुओका फार्मिंग भी बोलते हैं, फुकुओका। इसके बाद रिस्पांस फार्मिंग को तो बता ही दिया मैंने। तो जीरो टिलेज में क्या होता है कि फादर ऑफ जीरो टिलेज पहले देख लेते हैं, दैट इज़ जी वी ट्रिपलेट, है ना। तो जीरो टिलेज में क्या होता है कि हम यहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू कितना रखते हैं, 50 to 100%, ठीक है। मिनिमम टिलेज में जो है कितना रखते हैं तो मोर देन 30%। देन अपना रिड्यूस टिलेज है, रिड्यूस टिलेज में कितना रखते हैं, उसमें भी मोर देन 30%। एंड जो कन्वेंशनल टिलेज होता है उसमें 15 to 30, या यू कैन से लेस देन 30% जो है हम कन्वेंशनल टिलेज में रखते हैं, है ना। कंजर्वेशन टिलेज में आ जाएगा आपका मोर देन 30, ठीक है, क्योंकि ये सब सारे किसके पार्ट हैं, कंजर्वेशन टिलेज के ही पार्ट हैं। तो जीरो टिलेज में क्या होता है कि जो अपना प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन है, है ना, उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया जाता है, जिसमें प्लाविंग आता है मोस्टली, है ना, सीड बेड प्रिपरेशन वगैरह आती हैं, तो जो प्राइमरी टिलेज है ये कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया जाता है। एंड सेकेंडरी टिलेज जो है जिसमें हम सिर्फ सोइंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो सोइंग ऑपरेशन के लिए जो है फील्ड की क्लीनिंग, ठीक है, फील्ड की क्लीनिंग हो गई, है ना, फिर जो सीड को प्लेस करने के लिए जो है फरो ओपनिंग, है ना, फरो ओपनिंग हो गया, उसके बाद सीड प्लेसमेंट मीन्स सीड सोइंग, एंड सीड को फिर ढकने वाला काम, ठीक है। तो चारों ऑपरेशन जो है एक एक सिंगल पास में, फिर सिंगल ऑपरेशन में हो जाते हैं, जीरो टिल या फिर जीरो टिलेज सीड ड्रिल की मदद से, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है, जीरो टिलेज। एंड अगर सिंपल डेफिनेशन आता है, अ टाइप ऑफ टिलेज इन विच प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली, अगर ये डेफिनेशन आता है तो सिंपली जीरो टिलेज होगा इसका आंसर। एंड इसमें जो है रेसिड्यू मैंने बता दिया 50 to 100% रखते हैं। एंड वीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि जो पैराक्वाइट है, है ना, या फिर ग्लाइफोसेट है, डाइक्वाइट है, तो इन हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होती हैं, नॉन सेलेक्टिव
हर्बिसाइड्स होती हैं। इसमें ग्लाइफोसेट जो होता है ये सिस्टेमिक होता है, सिस्टेमिक हर्बिसाइड होता है। एंड पैराक्वाइड जो होता है, पैराक्वाइड एंड डाइक्वाइड, ये क्या है, अपने कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स हैं। इवन जो ग्लूफोसिनेट अमोनिया है, ग्लूफोसिनेट अमोनिया हर्बिसाइड, ये भी क्या होता है, अपना कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है, बट विद लिमिटेड सिस्टेमिक एक्शन। तो ये हर्बिसाइड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है जीरो टिलेज में, टिलेज टिल प्लांटिंग में। हमने देख लिया ये ऑपरेशन जो है फॉलो की जाती हैं, जैसे कि क्लीनिंग द क्रॉप रो, ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्शन, प्लेसिंग ऑफ सीड, कवरिंग द सीड एट्सेट्रा। देन आता है मिनिमम टिलेज एंड रिड्यूस टिलेज। रिड्यूस टिलेज एंड मिनिमम टिलेज ऑफन लुक सिमिलर, बट देर इज़ सम डिफरेंसेस। लाइक रिड्यूस टिलेज में हम क्या करते हैं, दोनों में जो है रेसिड्यू का परसेंटेज तो मोर देन 30% ही होता है, बट रिड्यूस टिलेज में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ जो टिलेज ऑपरेशन है उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, है ना, नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन रिड्यूस कर देते हैं। सपोज अगर 4 प्लाविंग हो रही है कन्वेंशनल टिलेज में, तो 4 की जगह यहाँ पर हम 2 कर देंगे, है ना। एंड मिनिमम टिलेज में क्या होता है कि मिनिमम टिलेज में जो है नंबर ऑफ ऑपरेशन हम उतना ही रखते हैं जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है। लाइक अगर प्लाविंग के लिए सिर्फ 2 टिलेज में या फिर 1 टिलेज में जो है काम हो रहा है, तो हम सिर्फ 2 या 1 टिलेज ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देयर इज़ डिफरेंस इन रिड्यूस टिलेज एंड मिनिमम टिलेज। रिड्यूस टिलेज में जो है हम नंबर ऑफ ऑपरेशन कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं मिनिमम टिलेज में जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमें ये याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर्ड बाय जोसेफ फोरियर इन 1824। एंड जो है टर्म जो है किसने दिया था, तो टर्म इज़ गिवन बाय स्वांटे एरहिनस इन 1896। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम समझें तो लाइक दिस इज़ आर अर्थ, काफ़ी राउंड नहीं बना बट स्टिल, एंड ये है ओजोन लेयर, तो एंड ये हो गया अपना सन। वी ऑल नो के सन से जो है रेडिएशन आती हैं, है ना, सन से जो एनर्जी आती है तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं, है ना, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं। एंड अर्थ से जो है टकराने के बाद, अर्थ के सरफेस से जो है टकराने के बाद, कुछ जो है पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ में ही, एंड कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, लॉन्ग वेव, एंड जिसका मेनली फॉर्म होता है इन्फ्रारेड, ठीक है, इन्फ्रारेड रेडिएशन। तो कुछ पार्ट जो है एटमॉस्फेयर से जो वापस चली जाती हैं, बट कुछ जो है पार्ट ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, है ना, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली क्या है, CO2 है, ठीक है, मीथेन है, CH4, NH3 है, NO2 है, N2O, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, तो एंड वाटर वेपर ऑल्सो, एंड सॉइल पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। तो ये क्या करती हैं, ये जो सोलर रेडिएशन जो अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, है ना, तो कुछ पार्ट तो एटमॉस्फेयर से बाहर पर चली गई, बट CO2 गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या फिर मीथेन के मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड जो सोलर रेडिएशन है इन्फ्रारेड के फॉर्म में, इसको जो है एब्जॉर्ब करती हैं एंड हीट एमिट करती हैं इससे, ठीक है, वापस से हीट एमिट करती हैं एंड
वापस से अर्थ की तरफ भेज देती हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर भेज देती हैं एंड एटमॉस्फेयर को जो है गर्म करती हैं, ठीक है, हीट अप करती हैं अपने एटमॉस्फेयर को। तो इसका एक फ़ायदा है कि अगर ये गैसेस नहीं होती तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है ना रात के टाइम पे, एंड इससे जो है लाइफ जो है सस्टेन करना मुश्किल होता। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ये गैसेस हैं इनका कंसंट्रेशन जो है ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। नेचुरल सिस्टम में जो है नेचुरली जब CO2 रिलीज होता था, मीथेन है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर पे होते थे, तो ये अर्थ के एनवायरनमेंट को या फिर टेम्परेचर को एक बैलेंस है ना, बैलेंस्ड जो है टेम्परेचर बनाए रखने में सक्षम थे। बट इनका कंसंट्रेशन हमें पता है कि ये अर्थ को जो है हीट करते हैं, है ना, तो एक लिमिट तक या फिर एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन तक अगर इनका जो है कंसंट्रेशन रहता है अर्थ में तो ठीक है, टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहेगा। बट जितना ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो उतना ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करेंगी एंड उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी, ठीक है। इनके रिसेंट एग्जांपल्स जो है आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो दैट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही सिमिलर जो फिनोमिना ग्रीन हाउस जो होते हैं जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, है ना, कोल्ड रीजन वगैरह में, तो सेम फिनोमिना जो है ग्रीन हाउस गैसेस में भी होती हैं। सपोज जो ग्लास हाउस है इसमें शॉर्ट वेव जो है रेडिएशन इंटर करती हैं एंड लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एंड यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है, ये बाहर नहीं जा पाती, जिससे जो है ग्रीन हाउस के गैस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है एंड प्लांट्स जो है ईजिली उसका यूटिलाइज करके जो है ग्रो हो पाती हैं। तो सिमिलरली जो है ये अपने एटमॉस्फेयर के कारण भी, मतलब एटमॉस्फेयर में भी जो है सिमिलर जो है फिनोमिना पाया जाता है। अब जो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें ग्रीन हाउस गैसेस का, है ना, तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे CO2 हो गया, ठीक है, मेजर है, मोर देन 50% कवर करता है, फॉलोड बाय CH4, है ना, देन फॉलोड बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC एटसेट्रा। इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, बट ये जो है इनका लाइफ स्पान इतना नहीं होता, लाइक एक दिन या दो दिन में जो है अगेन ये वाइप आउट हो जाते हैं, फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वापस से, एंड सीजन टू सीजन भी वरी करता है। तो उनको जो है ग्लोबल मतलब वाटर वेपर उतने मेजर थ्रेट नहीं कंसीडर किए जाते। इसके बाद जो है ओजोन लेयर, अगर हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें, अच्छा इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम अगर चर्चा करें, तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, एवरेज टेम्परेचर, है ना, जो कि अभी है, एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इन गैसेस के कारण जो है इनका कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज होते जा रहा है टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज होते जा रहा है, है ना। तो अगर हम देखें तो जो एवरेज टेम्परेचर है इससे जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, एंड ऐसा माना जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि 5 डिग्री सेल्सियस जो है अर्थ का टेम्परेचर बाय दी एंड ऑफ दिस सेंचुरी, है ना, इतना इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका एमिशन रिड्यूस नहीं किया, है ना, ऑलरेडी इतना हो चुका है, ठीक है, एंड इतना हो सकता है अगर हमने जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन डिक्रीज नहीं किया, ठीक है। तो दैट इज़ द ग्रीन हाउस, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन नेक्स्ट आता है इसमें ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है हेनरी बॉयसन ने जो है इसको डिस्कवर किया था, एंड सबसे पहले जो है ओजोन लेयर में डिप्लीशन कब देखा गया था, तो 1984 समथिंग में डिस्कवर किया गया था, है ना, ओजोन लेयर में होल डिप्लीशन। ये कहाँ पर किया गया था, तो एंटार्क्टिका में किया गया था सबसे पहले, एंटार्क्टिका में। एंड ओजोन लेयर की अगर हम डिप्लीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से गैसेस डिप्लीट करते हैं, तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होता है, SF6 का, दैट इज़ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, है ना। इसके बाद जो है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हो गया, देन इसके बाद जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन CFC 12 एंड CFC 11। इसके बाद जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, देन CH4 है। तो ये कुछ ग्लोबल ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करने वाले गैसेस हैं, है ना।
अगर हम CO2 का डिप्लीशन 1 कंसिडर करें, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है CO2 के कंपैरिजन में, है ना, CO2 के कंपैरिजन में SF6 का कितना होता है आफ्टर 100 ईयर्स, तो 23.5 थाउजेंड, ठीक है, टाइम्स मोर देन दिस क्या बोलते हैं CO2। इसके बाद जो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है इसका होता है करीब 16.1 थाउजेंड टाइम्स कंपेयर टू CO2। HFC का जो है 12.4 थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होता है। देन CFC का जो है 10.2 थाउजेंड टाइम्स जो है ज़्यादा होता है। देन जो अपना नाइट्रस ऑक्साइड है इसका 310 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है। एंड देन मीथेन जो है इसका 25 टाइम्स जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू CO2। देन ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें तो ये कैसे होता है, सपोज दिस इज़ आर अर्थ एंड इसके जो है 25 किलोमीटर हाइट में, है ना, दैट इज़ लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। तो जो अर्थ से जो है 25 किलोमीटर ऊंचाई में अगर जाएँ तो ओजोन लेयर जो है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ऑक्सीजन है, है ना, ऑक्सीजन जब ऊपर लिफ्ट होता है तो जो अपनी यूवी रेज हैं, है ना, या फिर जो टेम्परेचर है, यूवी रेज है सन का एंड टेम्परेचर, है ना, अबव दिस स्ट्रेटोस्फीयर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है यूवी रेज के कारण जो है स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल में, है ना, एंड फिर ये जो है ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जो है एक मॉलिक्यूल अटैच होकर क्या किसका फॉर्मेशन करता है ओजोन लेयर का, है ना, O3 इज़ ओजोन, तो ओजोन का फॉर्मेशन करता है। देन लाइक CFC जो है ये कैसे अफेक्ट करता है ओजोन लेयर को, कैसे डिप्लीट करता है, है ना, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो CFC में मेन कंपाउंड क्या है, क्लोरीन, है ना, एंड ब्रोमीन भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो क्लोरीन क्या करता है कि ओजोन लेयर, है ना, जो O3 बना था, ठीक है, तो इसको जो है इससे एक ऑक्सीजन ले लेता है एंड क्या बनाता है अपना Cl2O, है ना, सॉरी Clo, Clo बनाता है एंड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ओजोन से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से जो ओजोन बना था, है ना, उससे एक ऑक्सीजन इसने जस्ट इसका जो प्रोसेस है उसने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ओजोन से जो एक ऑक्सीजन लेके CLO बना लिया एंड ऑक्सीजन जो है रिलीज कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो इसी का जो है कंसंट्रेशन ये क्लोरिन जो क्लोरिनेटेड सब्सटेंसेस होती हैं, है ना, ब्रोमिनेटेड सब्सटेंसेस होती हैं, इनके कारण जो है डिप्लीट होता है, ठीक है। देन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओजोन का कंसंट्रेशन, है ना, तो ओजोन का कंसंट्रेशन कितना माना जाता है एवरेज कंसंट्रेशन, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में करीब करीब 3 mm, ठीक है, 3 mm जो है ओजोन का एवरेज, ठीक है, एवरेज जो है थिकनेस माना जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, जो किसके इक्वल होता है 300 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, तो डॉप्सन से हम जो है ओजोन की थिकनेस को जो है मेज़र करते हैं, ये डॉप्सन यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो वन जो डॉप्सन यूनिट होता है इक्वल्स टू होता है 1/100 mm, है ना, या फिर यू कैन से 0.01 mm, ठीक है, तो डॉप्सन यूनिट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, है ना, तो ओजोन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, 0.01 mm थिक, ठीक है, ओजोन लेयर को बनाने में, है ना, 0.01 mm थिक जो है ओजोन लेयर को बनाने में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन की जो है रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं वन डॉप्सन यूनिट, और ये वन डॉप्सन यूनिट जो है 0.01 mm जो है थिकनेस कितने टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होनी चाहिए, एंड प्रेशर कितना होना चाहिए इस पर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, तो 0.01 mm थिक, है ना, ओजोन लेयर बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन के लगेंगे
जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम क्या बोलेंगे, वन डॉब्सन यूनिट, है ना। तो एवरेज जो है थिकनेस कितनी है ओजोन लेयर की, तो दैट इज़ 3 mm, है ना, या फिर 300 डॉब्सन यूनिट भी कह सकते हैं इसको। एंड वन जो है डॉब्सन यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के, तो अराउंड होता है 2.7 × 10⁻¹⁶, है ना, ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वन डॉब्सन यूनिट में, ठीक है। एंड जो क्या बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन हम कब बोलते हैं, जब यही 3 mm है ना जो एवरेज है ओजोन का थिकनेस, अगर इससे 1 mm एटलीस्ट डिप्लीट हो जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना। तो सबसे पहले जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन कब देखा गया था, 1824 में, ठीक है। इसके बाद जो है 1984 में जो है सबसे पहले डिप्लीशन देखा गया था। देन जो है दैट इज़ द मेजर थ्रेट, हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है यूवी जो रेज होती हैं हार्मफुल यूवी रेज, है ना, इनको ब्लॉक करती हैं। यूवी रेज भी जो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, यूवी सी, है ना, यूवी बी एंड यूवी ए। तो जो यूवी सी होता है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है ओजोन लेयर, है ना। बी को जो है पार्शियली ब्लॉक करता है, ए को जो है ब्लॉक नहीं करता, ये अर्थ में आ जाता है। एंड ए जो है उतना, ए एंड बी उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है कम्पेयर टू दिस यूवी सी, ठीक है। तो यूवी सी को जो है कम्प्लीटली ब्लॉक करता है। देन हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर डिप्लीशन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखा गया था 1984 में, एंड वी नो कि ओजोन लेयर का डिप्लीट होना बहुत मेजर थ्रेट हो सकता है लाइफ के लिए, है ना, जो अर्थ में जो लाइफ है। तो इसलिए जो है 1987 में यूनेप के द्वारा कई सारी मीटिंग्स एंड जो लाइक कॉन्फ्रेंसेस देन कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स बनाए गए, है ना, जैसे कि एक वियना कन्वेंशन था, ठीक है, 1986 समथिंग में। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, किगाली एग्रीमेंट था, ठीक है। तो इनके जो है तहत जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, है ना, इनको जो है कंट्रीज़ के द्वारा जो है इनका एमिशन कम किया जाए, और जो है आने वाले टाइम पे जो है कम्प्लीटली जो है इसको एलिमिनेट किया जाए, फिर रिप्लेस किया जाए ऐसे सब्सटेंसेस से जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना करें, है ना। तो इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि मैक्सिमम जो डिप्लीशन है ना, ये 2000 तक देखा गया था। इसके बाद जो है अगर हम 2023 की बात करें तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन डिक्रीज हुआ है, है ना, डिप्लीशन डिक्रीज हुआ है। तो दैट वाज द गुड न्यूज़ फॉर अस कि सारे कंट्रीज़ ने जो है इस थ्रेट को जो है माना कि हाँ ये थ्रेट है एक, एंड उस पर एक्चुअल में वर्क भी किया, ताकि जो है जिसका रिजल्ट है कि आज जो है 2023 में जो है इसका डिप्लीशन काफ़ी कम हो चुका है, एंड 2050 तक जो है कम्प्लीटली लाइक ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम्प्लीटली जो है कम करने का, है ना, प्लान है कंट्रीज़ का। तो दैट वाज अबाउट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसमें एक चीज़ और है कि जो ओजोन लेयर होता है, है ना, जो O3 होता है, दैट इज़ हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम ओजोन लेयर जो ओजोन गैस है इसको अगर हम रेस्पिरेशन के थ्रू इनटेक करते हैं, है ना, तो इससे डेथ भी हो सकती है, एंड ये प्लांट्स के लिए भी जो है हार्मफुल होते हैं, है ना। तो इसलिए जो है O3 जो है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, प्लांट लाइफ रहती है, यहाँ पे नहीं पाया जाता, ये 25 से 30 किलोमीटर जो है ऊपर पाया जाता है, है ना, अपने एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए जो है ट्रोपोस्फेयर में जो 10%, है ना, ट्रोपोस्फेयर में जो है 10% जो ओजोन पाया जाता है इसको बैड ओजोन बोला जाता है, एंड जो 90% जो ओजोन है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है उसे गुड ओजोन बोला जाता है। एंड ये 10% ओजोन कैसे बनता है, जैसे व्हीकल है, फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, सॉरी व्हीकल जो है फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, इनसे जो लाइक गर्म गैसेस निकलती हैं ना, तो वो सेम जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं, ठीक है, O+, O+, O-, O- में। एंड देन ये जो अपना ऑक्सीजन के साथ जो है मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या बनाता है, अपना O3 बनाता है, ठीक है। तो ये बैड ओजोन के एंड गुड ओजोन के बारे में था। आई होप यू लाइक द लेक्चर। यहीं पर जो है लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाता है लेक्चर, तो फिर अपलोड होने में भी प्रॉब्लम जाती है।
ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।